तो भाई जैसे कि हम सब जानते हैं कि थॉमस टुकल के की जो पोजीशन है बायर्न म्यूनिख में बहुत डाइसी है, जस्ट बिकॉज ना कि वो लाजियो वाला गेम हार गए हैं, लेकिन इन टीम भी बहुत सारी ऊपर नीचे हरकतें हैं। बट फ्रॉम दैट विल स्टार्ट द वीडियो। सो भाई थॉमस टुकल जो कि बायर्न म्यूनिख के मैनेजर हैं, इसी सीजन उनको अपॉइंट किया गया था, और अभी जो लाजियो के साथ उनका जो लास्ट गेम हुआ था उसमें जो एक नॉट फेवरेबल पोजीशन गेम या रिजल्ट आया, तो उससे ये जो बहुत ज्यादा चीजें बाहर आने लगी कि थॉमस टुकल इज नॉट परफेक्ट मैच फॉर बायर्न म्यूनिख। फैंस कहीं ना कहीं ये भी बोल रहे हैं कि नागल्समैन को हटाना या नागल्समैन को फिर से अपॉइंट नहीं करना वाज अ मिस्टेक, ये भी चीजें आ रही हैं। और हाँ, कान का जो जाना था वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज अगर मैं बोलूँ तो बायर्न म्यूनिख का जो मैच हुआ था मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, उसमें जो उन्होंने बॉटल किया था, मतलब बायर्न म्यूनिख अगर एक ऐसी टीम के अगेंस्ट खेलती है जो अपने बिल्कुल टॉप फॉर्म में नहीं है, जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल में है, कुछ और प्रॉब्लम्स में है, अगर वो उनके अगेंस्ट खेलती है तो दे आर मर्सीलेस। वो किसी को नहीं छोड़ते, आप कोई भी क्यों ना हो। मतलब बार्सिलोना वाला मैच हम सबको याद है, एक टाइम पे आर्सेनल के साथ भी उन्होंने जो खेला वो दिखता था, लेकिन जब बायर्न म्यूनिख अपने घर पे खेल रही है और जब आप ऐसी टीम को के अगेंस्ट खेल रहे हो जो स्ट्रगल कर रही है कहीं ना कहीं, तो यू कांट एक्सपेक्ट देम कि वो बॉटल कर दे वो गेम। उन्होंने उन्हें वो गेम जीता था, लेकिन इट वाज मोर ऑफ अ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच एज कम्पेयर टू बायर्न म्यूनिख मैच। तब से मुझे लगा, मेरे को पर्सनल ओपिनियन से लग रहा था कि बायर्न म्यूनिख में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और अभी बुंदेसलीगा में जो जाबी अलोंसो ने जो मचाया हुआ है कि बायर्न लेवरकुजन को लेकर टॉप पे बैठा 8 पॉइंट को लीड के लेके, और एक भी मैच नहीं हारा है अभी तक। जितने भी मैच हुए उसमें से जाबी अलोंसो की बायर्न लेवरकुजन एक भी मैच नहीं हारी, एक भी मैच नहीं हारी है। तो वो प्रेशर अलग है टॉमस टुकल के ऊपर, क्योंकि मेरे ख्याल से उसका पहला सीजन है, और अभी इतने लॉन्ग टाइम से बायर्न म्यूनिख की जो स्ट्रीक चल रही है कंटिन्यूअसली कि वो लीग टाइटल जीत ही रहे हैं, अगर ये सीजन वो लीग नहीं जीतते हैं, वो डीएफबी पोकल से वैसे ही बाहर हो चुके हैं, चैंपियंस लीग का अभी कुछ अता पता नहीं कि क्या होगा, क्योंकि वो पहला मैच हार गए हैं और अगला मैच जो है अलायंस अरीना में है वो मेरे ख्याल से वो जीत जाएंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन आगे क्या होगा चैंपियंस लीग में वो भी किसी को आइडिया नहीं। मतलब मेजर 3 टूर्नामेंट में से 2 टूर्नामेंट उनके हाथ से जा चुके हैं, अब बचा सिर्फ एक, वो है चैंपियंस लीग, उसमें अभी क्या होगा वो किसी को नहीं मालूम। उन्होंने मेरे ख्याल से इतना 200 मिलियन प्लस खर्चा किया है इस बार ट्रांसफर विंडो में, जस्ट टू, मतलब बायर्न म्यूनिख इतना खर्चा कभी नहीं करते। आप किमिन जे को लेके आए हो, आप मैथियास डिलिट को लेके आए हो, मतलब मैथियास डिलिट पिछली बार ही आ गया था, लेकिन फिर भी आपके पास इतने सारे, आप हैरी केन को उठा के लाए हो यार टॉटनहम हॉटस्पर से, मतलब हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो बंदा जो स्पर्स के साथ इतना अच्छा खेलता है, ना कि भले ही उसने कुछ ना जीता हो स्पर्स में, कुछ ना जीता हो, बट ही इज अ काइंड ऑफ स्ट्राइकर जो हर टीम अपनी टीम हर टीम चाहती है कि वो हमारे लिए खेले, वो बंदा आपके पास है। आपके पास गनाब्री है, आपके पास कोमन है, आपके पास साने है, ठीक है इंजरीज है मानता हूँ, लेकिन फिर भी किमिच है आपके पास, आपके पास गोरगेट्सका है, आपके पास मुलर है, आपके पास मुसियाला है, अब फिर भी आप लाजियो जैसी टीम से के साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो, और फिर आप एक रेड कार्ड लेके आप पेनल्टी कंसीड कर रहे हो। ठीक है पेनल्टी हम बोल सकते हैं कि इट्स नॉट द फेयर चांस, वो ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लाजियो जैसी टीम को बीट ना कर पाना, मैं बोलूंगा थॉमस टुकल के ऊपर ही आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी टीम को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो जो आपको जिसको आपको रोन देना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं मैनेजर के ऊपर आता है। क्योंकि अगर जावी की भी बात करते तो हम जावी को भी नहीं छोड़ते, अगर भले ही आप कोई भी स्मॉल टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, अगर आप उनको रोन नहीं पा रहे हो, स्टेक्स हाई, बायर्न म्यूनिख ऐसा क्लब है जहाँ स्टेक्स हाई है, यू हैव टू परफॉर्म एवरी सिंगल डे, ऐसा नहीं कि आपने एक दो गेम जीते एक ड्रॉ हो गया चल गया, नो, क्योंकि बुंदेसलीगा का लेवल और प्रीमियर लीग का लेवल आर डिफरेंट, ऑल्दो बायर्न म्यूनिख अलग लेवल पे खेलती है, बट स्टिल आपको हर टीम को रौंदना पड़ेगा। आप बायर्न लेवरकुजन के अगेंस्ट हार गए, मतलब दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल एज अ बायर्न म्यूनिख पर्सन, और एज अ इफ यू आर बायर्न म्यूनिख फैन, और इफ यू आर अ प्लेयर, इफ हूएवर यू आर, अगर आप बायर्न म्यूनिख को सपोर्ट करते हो, यू कांट एक्सपेक्ट देम कि दे विल गिव सच अ रिजल्ट कि आप हार जाएं बायर्न लेवरकुज़न के अगेंस्ट, जब आपको मालूम है आप लीग में स्ट्रगल कर रहे हो, वो गेम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, अगर आप ये नहीं जीते तो आपके ऊपर कितनी उंगलियां उठेंगी, ये बात सब आपको मालूम, तो फिर भी यू यू वॉज नॉट एबल टू मेक योर टीम परफॉर्म वे बेटर जो आप परफॉर्म कर सकते थे। आप वहां स्ट्रगल कर रहे हैं जहां बायर्न म्यूनिख आज तक स्ट्रगल कर
नहीं किया जिन्हें। और जब आपके पास एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, आपने केमिन जे है, आपके पास ओपामेकानो है, आपके पास मथायस डिलेट है। मथायस डिलेट के साथ भी तो ये हो रहा है कि उसको नई चांस मिल रहा है, जो भी एक उनके अंदर प्रॉब्लम हो, लेकिन मथायस डिलेट जैसा प्लेयर भाई कम ऑन, आप उसको मौका नहीं दे रहे हो, आप उसको नहीं खिला रहे हो। कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि टीम के अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ है। ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि टीम के अंदर मैनेजर और मथायस डिलेट की नहीं बन रही है। आप अभी एक इंटरव्यू आया कि हम उसको गेम हैरी केन जो प्रैक्टिस में जो गेम खेलता है वो एक्सेप्शनल होता है, वो जो जो गोल मारता है प्रैक्टिस में वो बहुत ही बढ़िया होते हैं, लेकिन हम उसको गेम में नहीं ढूंढ पा रहे, हम उस पर काम कर रहे हैं। ये किस टाइप का स्टेटमेंट हुआ? ये कोई, मेरे ख्याल से ये कोई स्टेटमेंट सेंस नहीं बनाता, लेकिन ये एक चीज दिखाता है कि कहीं ना कहीं थॉमस टुकल की जो टैक्टिक्स है, जो प्रैक्टिस है, वो फिट नहीं हो रही है बायर्न म्यूनिख में। He is not able to adjust, or Bayern Munich is not able to adjust according to him. Players के साथ foul out हो रहा है, आप striker को नहीं ढूंढ पा रहे हो, आपकी mid अच्छी खेल रही है तो आपकी defense lack कर रही है, आपकी defense सही खेल रही है। मतलब जब हम देखते थे पिछले कुछ सीजन में जब Nagelsmann और Hansi Flick manager थे तो स्कोर लाइन क्या होती थी 5-0, 4-0, 3-0 max. ठीक है, तब आपके पास Lewandowski था, वो मैं आपको दे सकता हूँ कि ठीक है, आप पिछले सीजन देख लो भाई, पिछले सीजन तो Lewandowski नहीं था ना Bayern Munich में, पिछले सीजन Bayern Munich में Lewandowski नहीं था, लेकिन फिर भी बायर्न म्यूनिख ने दौड़ा के मारा, बायर्न म्यूनिख ने कोई रहम नहीं करा किसी को कि कहीं भी करो। पिछले सीजन में उन्होंने जीता, लेकिन इस सीजन क्या हो गया? या आपके पास हैरी केन जैसा आपके पास स्ट्राइकर है, आपके पास मिड इतनी अच्छी, आपके पास डिफेंस इतना अच्छा है कि मैं लेफ्ट बैक का एक मान सकता हूँ कि लेफ्ट बैक का एक प्रॉब्लम है और न्यूअर थोड़ा इंजर्ड था पूरे आधे सीजन, तो वो चीज मैं मान सकता हूँ, लेकिन स्टिल जब आपका डिफेंस एक टाइम पे इतना स्ट्रांग था, आपकी मिड इतनी स्ट्रांग है, आपका अटैक इतना स्ट्रांग है, तो भी आप कहाँ लैग कर रहे हैं? मेरे को तो मथायस डिलेट को नहीं खिलाने के पीछे कोई सेंस समझ में नहीं आता कि मथायस डिलेट जैसा टैलेंटेड भाई, वो पागल आदमी है, वो एक वाइकिंग टाइप का आदमी है भाई, वो दो बार नहीं सोचेगा अपने सर फड़वाने के पहले, लेकिन वो बॉल रोक लेगा। वो उस टाइप, उस कैलिबर का आदमी, उस मेंटेलिटी का आदमी है। आप उसको प्ले नहीं करना चाहते हो, पता नहीं। और यहाँ पे बात आती है कि अगर क्योंकि ऑफकोर्स इफ बायर्न म्यूनिख हैव अ ट्रॉफीलेस सीजन, इफ इन केस बायर्न म्यूनिख का ट्रॉफीलेस सीजन जाता है, तो इट विल बी टोटली ऑन थॉमस टुकल। डीएवी पोकल से बाहर हो आप, बुंदेसलीगा का अभी 8 पॉइंट पीछे हो, चैंपियंस लीग में अभी नहीं पानू, क्या होगा? क्योंकि बाकी टीम जैसा खेल रही है, बार्सिलोना को हटा दो, मैं अभी उनको काउंट नहीं कर रहा हूँ, नेपली को भी हटा दो, रियल मैड्रिड अभी है, ठीक है, आप उसको ले लो, मैनचेस्टर सिटी को ले लो, आप ये दो टीम के अगेंस्ट कैसे करोगे? अगर आप लाजियो की टीम के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हो, अब बैन लेवरक्यूजर के अगेंस्ट आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप इन दो टीमों के अगर आप फेस टू फेस, अगर ठीक है बायर्न म्यूनिख फाइनल में पहुंची, तो इन दोनों टीम में ही से कोई फाइनल में पहुंचेगा, इट्स प्रीटी श्योर। इन दोनों में से कोई फाइनल आ रहा है और कोई नहीं है, और कोई नहीं लग रहा मेरे ख्याल से इन दोनों के अलावा कोई फाइनल में आ रहा है। इफ बायर्न म्यूनिख फाइनल में पहुंची तो दे हैव टू फेस वन ऑफ दीज टू टीम, तो तब आप क्या करेंगे? वो मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा ही मजेदार हो जाएगा कि बायर्न म्यूनिख फाइनल पहुंची एंड दे डोंट नो हाउ टू फेस सच टीम। कि थॉमस टुकल का जो कैंपेन था चेल्सी में वो एक अलग कैंपेन था, और अब जो थॉमस टुकल कर रहा है वो जर्मनी में 18 टीमों के साथ वो स्ट्रगल कर रहा है भाई, वहां 20 टीमों के साथ वो स्ट्रगल करके उन्होंने रिजल्ट दिए थे, और यहाँ पे क्या हो गया पता नहीं, यहाँ पे स्ट्रगल किए जा रहे हैं, लेकिन अभी देखो क्या होगा। बट हाँ, अगर थॉमस टुकल को मेरे ख्याल से यहाँ से ये आखिरी सीजन होगा थॉमस टुकल का, इफ इन केस ही गोज ट्रॉफी लेस, और मेरे ख्याल से हाँ ये ट्रॉफी लेस है, और थॉमस टुकल अगर कहीं जाते हैं तो मैं चाहूंगा प्लीज बार्सिलोना मत आना, मेरे को नहीं चाहिए तुम, मेरे को तुम नहीं चाहिए, हम कोई भी बंदा स्पेनिश उठा लेंगे वो चलेगा, तुम मत आना, कोई भी आना बस तुम मत आना। तो भाई मेरे ख्याल से बायर्न म्यूनिख में थॉमस टुकल का सफर यही एंड होगा, थॉमस टुकल को अब कहाँ जाना चाहिए वो पता नहीं क्या होगा, और वो वक्त बताएगा, तो जब वो वक्त आएगा देन आई विल सी यू गाइस।